The government of China has launched a campaign teaching citizens about road safety rules. How? By insulting Indians. Chinese public security minister shamelessly lifted this video. रिसेंटली चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने इंडिया के खिलाफ एक रेसिस्ट एड पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अपने सिटीजंस को रोड सेफ्टी सिखाने के लिए काले मुंह और सिक टर्बन पहने इंडियंस को शो किया एंड हमारा बहुत ही पुराना और आइकॉनिक गाना तुनक तुनक तुन तुन का मजाक भी उड़ाया। इसी साल चाइनीज और इंडियन आबादी को कंपेयर करते हुए जर्मनी ने भी ये कैरिकेचर पब्लिश किया और फिर इसके बाद तो वॉर रिडन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वॉर को छोड़ के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से माँ काली का एक ऑब्जेक्शनेबल फोटो पब्लिश किया। अकेले पिछले 6 महीनों में ही इंडिया के खिलाफ यू एक के बाद एक मल्टीपल रेसिस्ट पोस्ट का 3 अलग अलग देशों से ऐसे पब्लिश होना आखिर सबका क्या मतलब बनता है? वेल बिलीव इट और नॉट, लेकिन ये इंडिया के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकता है, क्योंकि ऐसे पास में और भी बहुत सारे नेशंस के साथ हुआ है और हमें ही उनसे सीखना चाहिए एंड वही आज एग्जैक्टली हम इस वीडियो में करेंगे। ये फोटो को ही देख लो। 30th अप्रैल 2023 के दिन जब यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारे गॉडेस काली का एक ऑब्जेक्शनेबल फोटो पोस्ट किया, तब इस फोटो में उन्होंने बेसिकली एक बॉम्ब ब्लास्ट के फोटो को रिक्रिएट करते हुए फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो के फ्लाइंग स्कर्ट पोज में हमारी हिंदू गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन माँ काली को दिखाया था। इस फोटो को यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने वैसे तो काफी कैजुअली बस वर्क ऑफ आर्ट कहकर पोस्ट कर दिया, लेकिन फ्यू थिंग्स वर नॉट एडिंग अप। आपके देश में वॉर चल रहा है और आपके डिफेंस मिनिस्ट्री वो सब कुछ छोड़कर आउट ऑफ नोवेयर किसी तीसरे देश में कार्टून्स बना रही है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लियरली यूक्रेन इंडिया को लेकर बाकी देशों के सामने एक पॉलिटिकल मैसेज रखना चाहता है। ये मैसेज कि यूक्रेन का डिस्ट्रक्शन असल में काफी बेशर्मी के साथ इंडिया की राइट विंग फासिस्ट गवर्नमेंट कर रही है, ऑल बिकॉज उन्हें लगता है कि हम रशियन ऑयल खरीदकर उनके डिस्ट्रक्शन को फंड कर रहे हैं। दिस माई फ्रेंड्स इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशनल वॉरफेयर एंड इंडिया को इसका फर्स्ट विक्टिम नहीं है। अपने राइवल कंट्री के खिलाफ इस तरीके का पॉलिटिकल कार्टून्स बनाना, एड्स बनाना और उससे उनका मोराल गिराना, ये एक ओल्ड मिलिट्री टैक्टिक है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूक्रेन के उस वक्त के सबसे बड़े एलाई जर्मनी यूज किया करते थे। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिकन नैरेटिव को फैलाने के लिए हॉलीवुड के सभी नामी गिरामी कलाकार, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में रूजवेल्ट ने उन्हें कोई भी एंटरटेनमेंट से जुड़ा आर्ट फॉर्म पब्लिश करने से पहले अपने आप से बस एक सवाल पूछने को कहा, विल दिस पिक्चर हेल्प अस विन द वॉर। बस फिर इसके बाद यूएस अपने एंटी नाजी नैरेटिव को प्रोपगेट करने के लिए रेगुलरली कुछ इस तरीके के कार्टून्स पब्लिश करने लगा, जिसने भी यूएस को जर्मनी के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने में काफी ज्यादा हेल्प किया। अब इसके बाद ऑब्वियसली जर्मन सोचो बैठने वाले नहीं थे, सो उन्होंने भी अपने एक प्योर आर्यन रेस वाले नैरेटिव को लोगों में और स्ट्रॉन्गली घुसाने के लिए इस तरीके के कार्टून्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया। लेकिन एक मिनट, ये सबका अभी यूक्रेन के हमारे अगेंस्ट बनाए रेसिस्ट एड से क्या मतलब है? बस 2 मिनट रुक जाओ। हमने जब इस डायरेक्शन में थोड़ी और रिसर्च की तब हमें ये पता चला कि यूक्रेन असल में वर्ल्ड वॉर 2 के समय से ही नाजी जर्मनी का एक मेजर एलाय रहा है एंड बस पिछले कुछ साल में ही यूक्रेन में स्टीफन बैंडेरा और रोमन शुकविक जैसे कई सारे सो कॉल्ड यूक्रेनियन फ्रीडम फाइटर्स या नेशनलिस्ट कह लो, उनके स्टैचूज यूक्रेन में खड़े किए गए हैं, जिन्होंने बाय द वे नाजीज की प्योर आर्यन रेस वाली धारणा के लिए सैकड़ों जूस को मारा था। सो डेफिनेटली जर्मनी और यूक्रेन में आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है। अब ऐसे में बस गेस करो, यूक्रेन को ये पॉलिटिकल कार्टून इंडिया के अगेंस्ट बनाने का आइडिया कहां से आया होगा? वेल सरप्राइजिंगली यूक्रेन के कार्टून पब्लिश करने के जस्ट 1 हफ्ते पहले एक जर्मन मैगजीन डर स्पिगल ने भी इंडिया पर एक सटायर पब्लिश किया था, जिसमें इंडिया की बढ़ी हुई आबादी को एक पुरानी ट्रेन में खचाखच भरकर उसे चाइनीज लेस क्राउडेड मॉडर्न ट्रेन से आगे दौड़ते हुए दिखाया गया था। क्लियरली जर्मनी इंडिया को मोस्ट क्राउडेड बट लीस्ट डेवलप्ड दिखाना चाहता है। अब ऐसे में बताओ, क्या यूक्रेन और जर्मनी का बस 1 हफ्ते के इंटरवल में एंटी इंडिया कार्टून्स पब्लिश करना बस एक इत्तफाक है, या फिर ये कार्टून्स इंडिया के खिलाफ एक 5th जनरेशन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के शुरू होने का एक सिग्नल है? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज बस हाल ही में ये कर चुके, बस इन कैरिकेचर्स को ही देख लो। ये भूखे गरीब इंडियंस जो यूएन द्वारा दिए गए सोलार पैनल्स खा रहे हैं, देन ये सिमिलर कार्टून पब्लिश किया था एक हंगेरियन कार्टूनिस्ट ने, एंड लास्टली ये 2 तो आप सब जानते ही होंगे, इसे पब्लिश किया था यूएस ने। क्या आपको इन सब में एक पैटर्न नहीं दिख रहा है? ये कार्टून्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया तो बस सिर्फ एक भूखे गरीबों का देश है और कुछ नहीं। यस आई नो, मुझे भी बस ऐसा ही गुस्सा आया था जब मैंने ये कार्टून्स देखे थे, बट फिर मैंने सोचा कि आखिर एक ऑलरेडी डेवलप्ड देश को इंडिया जैसे एक डेवलपिंग देश को नीचा दिखाकर क्या मिलता होगा। बट दिस इज व्हाट आई फाउंड।
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिस्ट में ये तीनों भी देश टॉप 50 में भी नहीं आते, जबकि इंडिया कन्वीनियंटली 8th पोजीशन पर आता है। एंड रही बात उन टॉप 10 में से भी पर्टिकुलरली इंडिया को ही टारगेट करने की, तो अगेन आप खुद ही देख लो, इंडिया जिन देशों के साथ टॉप 10 की लिस्ट में बैठा है उनमें से एक भी $1 trillion जीडीपी मार्क को अब तक क्रॉस नहीं कर पाया है। यानी ऑल इन ऑल इंडिया इकलौता है जो इकोनॉमिकली बिगर और फास्टर दोनों हो रहा है। सो ऐसे देश के आगे आखिर कैसे निकले? दो रास्ते हैं, या तो खुद आगे बढ़ो या उसको पीछे खींच लो। एंड इंडिया के केस में ऑब्वियसली सेकेंड रास्ता ज्यादा आसान है, क्योंकि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग देश है और डेवलपिंग देशों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है कि उनमें कई सारे रिलीजियस, गवर्नमेंटल, सोशल और फाइनेंशियल फॉल्ट लाइंस होते हैं जिन्हें पिन पॉइंट करके इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और उसका मजाक बनाया जा सकता है। जैसे ये एग्जांपल ही ले लो, इसमें वैसे तो ऊपर ऊपर से आप सब जानते होंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के मंगलयान मिशन का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन फिर भी एक बार जरा इसे गौर से देखना और मुझे बताना, एक धोती कुर्ता पहने बगल में गाय को लिए एक इंडियन का यू जाकर सूट बूट पहने एक एलीट लोगों का दरवाजा ठकठकाना, इसका क्या मतलब बनता है? वो भी तब जब हम सब जानते हैं कि इसरो ने अनलाइक नासा ये मिशन अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा किया था। क्लियरली यूएस की तरफ से ये हमें ताना है, टॉन्ट है कि ठीक है तुम लोगों ने इंपॉर्टेंट माइलस्टोन तो एक रीच कर लिया, लेकिन अभी भी तुम लोगों को अपने रिलीजियस सिस्टम को दरवाजे के बाहर रखकर हम जैसे मॉडर्न लोगों की बराबरी करने में बहुत टाइम लगने वाला है। 2014 में जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश किया था, तब जिनको भी ये चीज समझ में आई उन्होंने तुरंत इसका बहुत ज्यादा विद्रोह किया एंड न्यूयॉर्क टाइम्स को ऑफिशियली इंडिया से माफी भी मांगनी पड़ी थी। बट देखो साइकोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड रिबेल साइकोलॉजी रिएक्टेंस। इसके अनुसार अगर आपको कोई भी बोले कि वहां मत देखो, वहां मत जाओ, तो आप सबसे पहले वहीं देखोगे, वहीं जाओगे। बस यही हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स के इस कार्टून के साथ भी। ये कार्टून को जो पहले सिर्फ कुछ चिड़े हुए इंडियंस के जुबान पर था, वो इवेंचुअली दुनिया भर की चर्चा का विषय बन गया, जिसके वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस बड़ी हुई पब्लिसिटी को और बढ़ाने के लिए अगले ही साल एक और कार्टून पब्लिश कर दिया इंडिया के ऊपर। इसमें जैसे आप देख सकते हो इंडिया को ऐसे दिखाया है एज इफ वो एक सुस्त लेजी हाथी की तरह पटरी के बीच में बैठ गया है और उसकी वजह से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के किसी भी मीटिंग या फिर समिट में बाकी तेज काम करने वाले डेवलप्ड देश अपने एनवायरमेंट कंजर्वेशन के गोल्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं इंडिया के वजह से। अब इसमें सबसे आयरोनिकल बात क्या है, इंडिया दुनिया का वो इकलौता देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का फर्स्ट गोल पूरा भी कर लिया है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स जिस कंट्री को बिलोंग करता है यूएसए, वो खुद 1959 से लगातार सबसे बड़ा कार्बन पोल्यूटर बना बैठा है। इनफैक्ट इससे भी वर्स, अभी रिसेंटली 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर उसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ऑफिशियली अपना हाथ ही पीछे खींच लिया। सो बेसिकली इससे हमें यह समझ में आता है कि कई बार ये जो डेवलप देश होते हैं ये अपने फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज नहीं करने के लिए दूसरे देशों पर उंगली कर देते हैं, वो बाकी देशों का फोकस अपने फॉल्ट से हटाकर दूसरे देशों पर डाल देते हैं। एकदम सिमिलर चीज की कोविड के दौरान चाइना ने फेमस इटालियन पेंटर लियोनार्डो डा विंची की फेमस द लास्ट सपर पेंटिंग की पैरोडी बनाते हुए कुछ ऐसे कार्टून पब्लिश किए। इसमें बेसिकली उसने सभी G7 देश जैसे कि कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूके और यूएस को उन देशों में कॉमनली पाए जाने वाले जानवरों से रिप्रेजेंट किया और इन्हीं देशों के साथ कैंगरू एंड एलिफेंट को एज अ गेस्ट दिखाकर उनके जरिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था। अब इस इमेज को अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि टेबल पर चाइना का मैप पड़ा हुआ है। इसका मतलब चाइना बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि टेबल पर बैठे सभी देश कोविड कॉन्ट्रोवर्सी, हांगकांग कॉन्ट्रोवर्सी, ताइवान कॉन्ट्रोवर्सी, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की कॉन्ट्रोवर्सी एंड यूएस चाइना की दुश्मनी की कॉन्ट्रोवर्सी, इन सब इश्यूज के जरिए उसके खिलाफ कोई ना कोई नई साजिश बुन रहे। चलो यहाँ तक भी सब ठीक है, पर अब इस सब के बीच इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हाथी को जरा गौर से देखो। उस हाथी को ऑक्सीजन के कैनिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब चाइना का ये मानना है कि उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करने में उछल उछल के वो देश भी हिस्सा ले रहा है जिसे अपने खुद के देश का कोविड क्राइसिस नहीं संभाला जा सकता। अगेन इस केस में भी बहुत बड़ी आयरनी है, खुद चाइना में उनकी ज्यादातर आबादी ओल्ड होने की वजह से वहां आज भी कोविड केसेस बढ़ ही रहे हैं, जबकि इंडिया अपने लॉकडाउन फेज से 2 साल पहले से ही बाहर निकल चुका है। यानी बेसिकली इस तरीके के कैरिकेचर्स, पोस्ट, सटायर्स, एड्स एक्चुअली इंडिया के लिए नहीं, ये उनके खुद के पब्लिक के कंजम्पशन के लिए होते हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं चाइना में इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक तरफ से बहती है, चाइना के अंदर से चाइना के बाहर तक, नॉट दी अदर वे अराउंड। सो ऐसे में इंडिया के खिलाफ यू रेसिस्ट फोटोज और एड से चाइनीज जनता के सामने ऐसा पोर्ट्रे होता है कि देखो हम एट दी एंड फिर भी इंडिया से तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। यही वजह है कि चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने भी अपनी जनता को रोड सेफ्टी सिखाने के लिए एक्चुअल रोड सेफ्टी के कोई गाइडलाइंस को प्रमोट नहीं किया है, वैसा कोई एड नहीं बनाया, बल्कि ये दिखाया है कि एटलीस्ट इंडिया जितना तो डिसऑर्गेनाइज मत बनो। सो इन सब एग्जाम्पल से हमें बस यही मालूम पड़ता है कि रिसेंट टाइम्स में इंडिया के खिलाफ जितने भी देशों ने रेसिस्ट पोस्ट, एड्स या फिर कैरिकेचर्स पब्लिश
पेश किए हैं उन सभी आर्ट फॉर्म्स में एंटरटेनमेंट के अलावा एक अल्टरनेटिव मोटिव भी छुपा हुआ था। कोई उसे ब्लेम गेम के लिए यूज कर रहा था, तो कोई उसे दुनिया का ध्यान अपने कमियों से भटकाने के लिए यूज कर रहा था, तो कोई देश उसे यूज कर रहा था अपने खुद के सिटीजन का मोरल बूस्ट करने के लिए। यानी ऐसा हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ जाना या उनके एक्शंस का, उनके मोटिव का एक बाय प्रोडक्ट है इंस्टेड ऑफ देयर मेन ऑब्जेक्टिव। बट हाँ, ऑफ कोर्स फर्क बस इतना है कि ऐसे आर्ट फॉर्म्स अगर इंटरनेट पर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इससे दुनिया का इंडिया को लेकर एक नजरिया काफी परमानेंटली वैसा ही शेप हो जाता है जैसा ये देश दिखाना चाहते हैं। एंड इसीलिए आई स्ट्रॉन्गली फील इंडिया मस्ट डू समथिंग टू काउंटर दिस, एंड एक्चुअली इंडिया हैज। इसको काउंटर करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे ने न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्हीं के स्टाइल में जवाब देते हुए अपने कार्टून भी पब्लिश किए थे। पर ये तो काफी नहीं है मेरे हिसाब से एटलीस्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पोस्ट का रिस्पॉन्स हुआ, बाकी पोस्ट का अभी तक हमने इतना कुछ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया नहीं है। एंड देखो, अल्टीमेटली ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर एक देश चाहता है कि वो एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन हासिल करे, इसीलिए ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया का रिस्पॉन्ड करना इन द सेम टोन इज वेरी क्रूशियल। इनफैक्ट नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन हासिल करना, क्या आपने नोटिस किया है कि हर एक देश के लीडर, हर एक ग्लोबल लीडर जस्ट लव आरपीएम नरेंद्र मोदी। मोदी जी के पैर छूने से लेकर उनको ही इज द बॉस बोलना सबके सामने, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। क्या रीजन है कि आज ग्लोबली हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने फेमस हो चुके हैं? व्हाई डू ग्लोबल लीडर्स लव पीएम मोदी? इस टॉपिक पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। बाकी ये एड्स वगैरह के फील्ड में मेरे हिसाब से इंडिया थोड़ा कम एक्टिव है, हमें और ज्यादा एक्टिव होना है। लेकिन इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपके जो भी ओपिनियन है प्लीज मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। एंड हाँ, गेम्स को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।